हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 या 11 ऐसी कुछ, और हम लगे हैं साफ़ सफाई में। बाबू बहुत तंग कर रही थी, कभी नेन पेन कभी कुछ उठा ले रही थी, और आपने देखा मेरे पैरों के नीचे से निकल गई, और मुझे होश नहीं था, मुझे लगा साइड से गई है नेन पेन लेने के चक्कर में। मस्ती और अब हम यहाँ पे तीनों बहनें बात कर रहे थे कि कहाँ कौन सा सामान सेट करना है, किसको कौन सा काम करना है। तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। सोनम बोल रही थी हम किचन का समेट लेंगे और किचन को सजा देंगे, तो बस यही सारी बातें हो रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा सामान सोनम ने इसे धुला हुआ है, जितने डब्बे वब्बे थे सब कुछ धुल के रखा हुआ, इसे वो लगाएगी। और सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, बस मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बस। और यहाँ पर ये देखिए सो जाने दो उसको, ये लेकर आए हैं, साफ कर रहे हैं अभी क्योंकि इसे लगाना है अच्छे से ही। गाइस अभी बज चुके हैं, ये देखिए कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, और अभी जाके पूरा सामान सेट हुआ फाइनली आज। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, मेरी स्माइल तो देखिए लोगों को चेहरे से पता चल गया होगा ना। और मैं चाय चढ़ाई थी 9:30 बजे सुबह की, 6 बजे, 6:30 बजे से उठी हूँ मैं। 4 दिन से लगातार इतनी मेहनत पहली बार जिंदगी में की है, इससे पहले कभी नहीं की थी। मैं सच बता रही हूँ, इससे पहले हम लोगों ने कभी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। तो अब हम जा रहे हैं चाय निकालने, और आज मैं सच बताऊँ सब्जी जो सुबह की थी वो दाल और चावल सुबह का है, रोटी सेकूंगी आटा लगा हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि शाम को मैं इतनी थक जाऊंगी कि मुझे तो कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। तो फटाफट से चाय निकाल लेते हैं आपके जीजू के लिए, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, चाय छान रही हूँ बहुत ज़्यादा, ये देखिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था जिस दिन मैं अपना घर छोड़ रही थी, बट अब यहाँ आके अच्छा लग रहा है। एक हाथ से बनता नहीं है ना, गिर गई, अब भी जस्ट साफ करके गई थी, वो छन्नी जो है ना नीचे चली गई इसी वजह से। तो अब जब पापा आ जाएंगे तो अब हम साथ में आज खाना खाएंगे क्योंकि बन गया है। मेरी बातें सुन रहे हो क्या? हाँ, यहीं पे खा लेंगे सब लोग इकट्ठे, और क्या। तो शायद आज ब्लॉगिंग नहीं हो पाई उतनी अच्छे से, हमारी चाय अभी मैं नहाई हूं जस्ट। क्या हो गया, क्या हुआ? अच्छा बात कर रही हूँ, आओ चाय पी लो। तो ये देखिए हम चाय ले जा रहे हैं, और ये है मेरी देवरानी जो नई वाली है, जिनकी शादी में हम गए थे, कुछ तो मिलना चाहिए ना, देवरानी की मोदी खाई करवाएंगे तो है ना। और आज इतनी ज्यादा गर्मी थी, तो गर्मी में हाँ यार चल यार गर्मी में मर मर के आज मैंने काम किया, अपने घर को सजाया है, जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी उतने अच्छे से नहीं सेट हुए, नॉर्मली किए हुए हैं ऐसे, जब अच्छे से सेट कर लेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे आप लोग देख ही रहे होंगे है ना, तो प्लेट लेने आई थी मैं, यहाँ पे ये ले लेती हूँ, चलो बस 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 थक गए। अभी सारे सामान थे जो ऐसे लगा दिए, इनको अच्छे अपनी जगह अच्छे से सेट करना है। ये देखिए ऐसे लगा दिया मैंने, घड़ी पीछे लगाई हुई है लेकिन घड़ी में लगाऊंगी आगे, क्योंकि जब मेरी आंख खुलती है ना तो सबसे पहले मेरी नज़र, निकाल लो यार बहुत थक गए, सबसे पहले मेरी नज़र जाती है किस पे, हाँ मेरी घड़ी पे, घोड़ी नमकीन निकाल रहे हैं। हाँ तो क्या नाम है यार, मैं नाम कविता, कविता आप ही लो,
गंदा जाएगा, ऐसे गाय डरवा देंगे तब ठंडा करेगा। हाँ वो बोल रहे थे ना आवाज, इसीलिए करता, डिब्बा तो बंद कर दो यार। अब जाके सुकून मिला हुआ है थोड़ा सा, बहुत पैसा खर्च हो गया, बहुत पैसा खर्चा हो गया आपके जीजू का, बहुत थकी लगी थी। चाय पीने का मजा है, चाय पीने का मजा है कप में। सच में इससे पहले मैं कप में चाय नहीं निकाली और आज पहली बार कप में मैंने चाय निकाल ली। देखो अब नया घर नया कप, खुशी तो झलक ही रही होगी है ना। मिलना है आप लोगों को, मुंह दिखाई लगेगा भाई, आप लोग वहीं से मुंह दिखाई पहले दीजिएगा फिर। मजाक कर रहे, वो अभी नहीं आना चाहती कैमरे में, कैमरा फोकस नहीं करना चाहती ना। दिखा देती मैं लेकिन मना कर दी, और अच्छा नहीं लगता ना। अगर उनका मन होगा फिर आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जब वो कमेंट पढ़ेंगी ना, मेरी वीडियो देखती हैं, जब वो कमेंट पढ़ेंगी कि हाँ हाँ सब बोल रहे हैं देखने के लिए, तो फिर हो सकता है देखने के लिए रेडी हो जाएं। क्यों अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि खुश हो जाएं लोग। तो चलिए चाय पी लेते हैं फिर आप लोग मुझसे मिलते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। बाय बाय। ओ गाइस अभी बज चुके हैं कितने, 10:30, और अब मैं रेस्ट कर ली हूँ, थोड़ा सा आराम मिला है। तो अब हम जा रहे हैं क्या करने, खाना बनाने के लिए, क्योंकि क्योंकि क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि थक गई थी जैसा कि आपको पता ही है। जरा सॉल्व कर लेते हैं, सुनने सुनने पैर, अरे बाप रे बैठ जा रही हूँ तो उठ नहीं पा रही हूँ, इतना ज्यादा मतलब दर्द है। रिफाइंड वाला डिब्बा कहाँ है, रिफाइंड तो सोच रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए, वही जा रही हूँ पूरियां बना। तो गाइस यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि रोटियाँ बना लूँगी, दाल रखी है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पूड़ी बना दूँ, क्योंकि सब्जी रखी है और दाल खाने का मन नहीं है, तो थोड़ा चटपटा खाने का मन था, तो इन्होंने कहा पूड़ी बना लो, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बेल लेती हूँ, और मुझे ध्यान ही नहीं था, वहाँ की आदत जैसे लगी पड़ी थी, तो इसलिए नीचे बैठ के आराम से बेल रही हूँ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर पहले मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी, फिर आराम से बेल लूँगी। जब दिनेश आ जाए ना, क्यों मैं रखेंगे बाबू, ले लो कोई चीज, क्यों मैं वो ले लो, थाली ले लो बड़ी वाली, छन्नी छन्नी कहाँ है, छन्नी 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 जा रहे हैं पूरी तलने, खाना है तो आ जाइए। ये देखिए मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, पूरी तलने जा रहा हूँ। हाँ तुम भी तो बनाते हो रोज, करी करी हाँ है ना, आज बना देते हैं, थक गए हैं तुम भी, हम भी थके हैं, आज हम लोगों ने भाई बहुत मेहनत की है, आज बहुत मेहनत की है, फाइनली यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो हम सोचे थोड़ा हेल्प कर दें, थके तुम भी हैं लेकिन थके दोनों ही, इसलिए मिल के दोनों काम कर सकते हैं। गीला बहुत हो गया, नहीं ये झाड़ देना, झाड़ दो ना, जब प्लेट ऐसे जाना, हो गया तेज करो, तेज कर देंगे। पापा का कपड़ा बदलने, क्या हुआ, नहीं अब फूल रहा है, कैसे तल रहे हो, छिट्टा पड़ रहा है, मेरी पूरी तल गई, बेल गई, और इनका कुछ हुआ नहीं अभी। ये देखिए फूली फूली पूरी, तीन पूरी निकली है, मैं पूरी पूरी बेल दी है, जानते हैं आप लोग,
जो कभी इंसान की आदत छूट जाती है तो यही होता है ना? तेल गरम हो रहा था, समझते नहीं है। अरे हाँ देख रहे हैं। झाड़ू कहाँ रखे हो? यहीं होगी कहीं अंदर है। ऐसे दाबते नहीं, छोटे छोटे, इसीलिए तो छिट्टा पड़ जाता है। तेजी तेजी तल रहे तो क्या होगा? कचौड़ी बन जाएगी और क्या। कचौड़ी बनवा रहे गाइस। पूड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं और एक थाली में मैंने सब्जी निकाल ली है, दूसरी वाली में मैं निकालने जा रही हूँ क्योंकि पापा भी आ गए हैं, तो इनका खाना पापा और इनका खाना मैं बेड पर ही दे दूँगी, वो लोग खा लेंगे पापा जी और ये, और मैं खा लूँगी किचन में क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पर बैठ के खाओ, तो मैं यहीं पर खा लूँगी। तो अभी फटाफट से मैं इनको खाना दे आती हूँ, पहले सब्जी निकाल कर ले जाऊँगी, फिर इसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ ले जाऊँगी क्योंकि दो थाली है ना। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ पूड़ियाँ निकाल ली है इस तरीके से, ये देखिए, और ये दो थाली मैं ले जा रही हूँ। और इसके बाद क्या करना है, हमें अब पूड़ियाँ ले जानी है, तो पूड़ियाँ थाली में एक ही इसी तरीके से मैं ले जाऊँगी। तो थोड़ी सी क्लिप जस्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए खाना खा रहे हैं और मैं जा रही हूँ किचन में बैठ के खाने क्योंकि वहाँ पर पापा खा रहे हैं, आवाज आ रही है ना, तो वहाँ पर नहीं खाऊंगी, यहीं पर खा लेती हूँ, उनको खाना दे आई हूँ, तो वो चलिए फटाफट से खा लेते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस कल जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने खाना पीना खाया, लेट हो गया, पापा भी लेट में आए 10:30 बजे, खाना पीना खाते 11:30 बज गया और मैं ब्लॉगिंग का एंड भी नहीं कर पाई, तो इसके लिए सॉरी। मैंने कहा चलो आज मैं ब्लॉगिंग का एंड कर देती हूँ और अभी मेरा खाना पीना बन चुका है, यानी कि नाश्ता बन चुका है और जस्ट अभी मुझे काम करना है, तो उससे पहले मैंने कहा आप लोगों को कल की ब्लॉगिंग का एंड करती हूँ फिर आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉगिंग तो स्टार्ट हो गई थी बट कल वाली ब्लॉगिंग का एंड नहीं हो पाया था, तो बस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलती अच्छे से वीडियो के साथ।